हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरसे एजुकेशन हब ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में अपने डिस्कस किया था डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। इस क्लास में यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। सबसे पहले अपन मीनिंग समझते हैं व्हाट इज द ऑक्सीडेशन। आपने 11th क्लास में पढ़ा है ऑक्सीडेशन मीनिंग टू टाइप से होता है। यहाँ पर ऑर्गेनिक बेस्ड में वैसे 4 टाइप से होता है, यहाँ पर अपन 2 टाइप से यहाँ पर बात करेंगे। ऑक्सीडेशन मीन्स हो गया आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इन दोनों सेंस से ऑर्गेनिक में क्या कंप्लीट होता है, आपका ऑक्सीडेशन कंप्लीट होता है। अब देखिए बेटा, ऑक्सीडेशन के लिए या रिडक्शन के लिए, राइट, कंडीशन यहाँ क्या है आपकी ऑक्सीडेशन। क्या रिक्वायरमेंट होता है, कोई भी आपका कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इजी गोइंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन या कोई अदर रिएक्शन इजी गोइंग कंप्लीट नहीं करता है, इसके लिए अपन को कोई ना कोई रिएजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन सेंस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल वी रिक्वायर्ड सम रिएजेंट, दीज आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसकी रिक्वायरमेंट होगी आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, देखिए यहां पर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल केमेनोफोर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, राइट। दूसरी बात करेंगे अपन एसिडिक K2Cr2O7, और थर्ड होता है आपका डाइल्यूट HNO3। दीज आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर बेटा? तो इन सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में एल्कोहल का क्या होगा, ऑक्सीडेशन कंप्लीट होगा। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल केमेनोफोर, तीनों कंडीशन में अपन ले सकते हैं एसिडिक K2Cr2O7 और लास्टली अपन ने डाइल्यूट HNO3। दीज आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड। क्लियर? या फिर वही केस लेंगे अपन प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन, सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन और टर्शियरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन। अलग अलग कंडीशन में होता है और उनके लिए अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? अब देखिए, ध्यान से समझिए। अब इनको अपन को जो अपन ने काम में लिए हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जब भी आप रिएक्शन लिखोगे तो उसके ऊपर आप ओनली इतना सा रिमार्क कर दो, ऑक्सीजन को ब्रैकेट में आप यहां पर रिमार्क कर दो, दैट इज द साइन ऑफ दीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इससे क्लियर हो जाएगा कि यहां पर क्या कंप्लीट हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। क्लियर? तो जो भी रिएक्शन अपन यहां पर कंप्लीट करेंगे वो किससे रिगार्डिंग, किस तरीके से अपन साइन यूज करेंगे, किसका, ऑक्सीडेशन का। आपको इनमें से कोई भी रिएजेंट यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि इनमें से कोई ना कोई आपका यूज आ रहा है। क्लियर? अपन चलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस कंडीशन में होता है और किस किस टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। देखिए, अपने पास वही केस फर्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल। क्लियर? ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल और प्राइमरी एल्कोहल। क्लियर? अब देखिए बेटा, यहां पर आर सी एच एच ओ एच क्या करवाया अपन ने, ऑक्सीडेशन। मैंने अभी तब थोड़ी देर पहले समझाया था आपसे कि यहां पर अपन ऑक्सीजन को किस फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज द सिंबल ऑफ ऑक्सीडेशन। इस रिएक्टेंट का क्या होगा यहां पर, ऑक्सीडेशन। अब मैंने आपको पहले बात बता दी, क्लियर, ऑक्सीडेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पर देखो ऑक्सीजन ऐड नहीं हो सकती, यहां पर क्या होगी,
हाइड्रोजन रिमूव होगी और एल्कोहल का ऑक्सीडेशन इसमें हो जाएगा आपका RCHO मतलब एल्डिहाइड, इसमें हो जाएगा बेटा एल्डिहाइड में यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर एक सीरीज बनेगी, एल्कोहल ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड एंड फर्दर इन प्रेजेंस ऑफ, अगर यहां पर इसको अपन कंटिन्यूस, देखिए बेटा यहीं पर अगर रोक देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको यहीं पर रोक देंगे तो क्या बनेगा एल्डिहाइड, बट कंटिन्यूस अगर इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेगा तो ये फर्दर क्या होगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? एल्कोहल ऑक्सीडाइज इन एल्डिहाइड एंड फर्दर ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, बात क्लियर है? तो ये आपका केस इसका हो गया प्राइमरी एल्कोहल का, ये आपका प्राइमरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज इनटू एल्डिहाइड, देन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कंप्लीटली आपकी ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल की चेन चलती है, इसमें एल्कोहल देन एल्डिहाइड देन कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? ये केस है आपका किसका, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल। क्लियर? आगे देखिए आप, सेकेंड केस है आपका किसका, 2 डिग्री एल्कोहल का। तो कैसे लेंगे अपन 2 डिग्री एल्कोहल, देखिए केस दिया अपने किसका 2 डिग्री एल्कोहल। देखिए जैसे अपन ले लिया CH3, इसे करवाएंगे अपन ऑक्सीडेशन, करवाएंगे इसका ऑक्सीडेशन। अब इसका ऑक्सीडेशन भी आपका उसी वे में होगा, बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन चाहो तो आप यहां लिख दो -H2। पिछली रिएक्शन में नहीं लिखा था, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो कि हाइड्रोजन कहां गया, यहां लिख दो -H2, क्योंकि कंटिन्यूस रिएक्शन चल रही है इसलिए अपन उसमें +H2 नहीं लिख सकते, मैंने यहां लिख दिया -H2 मतलब रिमूवल ऑफ H2। क्लियर? अब यहां पे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, क्या फॉर्मेशन होगा CH3 C double bond O CH3, क्या फॉर्मेशन हो गया आपका एसीटोन, क्या फॉर्मेशन हो गया बेटा एसीटोन। क्लियर की बात? 2 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडाइज इनटू कीटोन, 2 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडाइज इनटू कीटोन, आगे आपका ऑक्सीडेशन सिंपल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, जैसे 1 डिग्री एल्कोहल का था वैसे आगे इसका पॉसिबल नहीं है। बट लॉन्ग टाइम अगर यहां पर अपन इसको क्या प्रोवाइड करवाएं, लॉन्ग टाइम मतलब जैसे सपोज आप कोई वर्क आपका किसी पर्सन से रिलेटेड है वो नहीं हो रहा है, अपन उससे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं तो सकता है वो वर्क अपना हो जाए, तो सेम चीज है, इसका ऑक्सीडेशन फर्दर पॉसिबल नहीं है। बट अपन इसको क्या प्रोवाइड करवाते जा रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या प्रोवाइड करवाते जा रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे अपन, लॉन्ग टाइम क्या करेंगे बेटा, लॉन्ग टाइम इसको प्रोवाइड करवाएंगे, उस कंडीशन में ये आपका क्या होगा फर्दर ऑक्सीडाइज होगा। अब कैसे होगा इसको आप क्लियरली समझना है, इसमें क्या होगा बेटा, इस पार्ट का तो बनेगा आपका 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, वो क्या होगा CH3 C double O S। क्लियर? इस पार्ट का ऑक्सीडेशन हो गया आपका 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड, और आपका जो रिमेनिंग आपका 1 कार्बन है ये आपका चेंज हो गया इसमें HCWH, ये भी क्या फॉर्मेशन करेगा एसिड का ही फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? तो यहां पर एसीटोन का लॉन्ग टाइम में अपने पास में ऑक्सीडेशन होता है तो
उसमें दो टाइप के अपने पास में क्या फॉर्मेशन होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, टू कार्बन का तो होगा एसिटिक एसिड और वन कार्बन का होगा आपका फॉर्मिक एसिड, वन कार्बन का होगा आपका फॉर्मिक एसिड। ये था आपका ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री एल्कोहल। अब चलेंगे अपन कहां पर, 3 डिग्री एल्कोहल, कहां चलेंगे अपन 3 डिग्री एल्कोहल पर। ये स्टूडेंट्स 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन सिंपल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, स्टार्टिंग ही नहीं होती। 3 डिग्री एल्कोहल के केस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन सिंपल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, बट इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट मींस एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर यूज करते हैं तो आपका 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। कैसे है देखिए, CH3 3 डिग्री एल्कोहल, क्लियर। अब देखिए बेटा, इसमें यहां पर इस वाले पार्ट में क्या होता है, इस वाले पार्ट का ऑक्सीडेशन होगा इसमें बाय द रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन कीटोन, इसमें होगा बेटा कीटोन, क्लियर। और आपका जो वन कार्बन है, ये वन कार्बन का क्या फॉर्मेशन होता है, HCl, ये केस आपको ध्यान रखने होगा। जैसा कंपाउंड है उसी टाइप से अपने पास में क्या फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। अब ये 3 डिग्री एल्कोहल में इस वाले पोर्शन का बाय द रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, और ये वाला ग्रुप यहां से रिमूव हो जाएगा, तो यहां पर क्या होगा, देखो डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, और डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा तो आपको क्या बन जाएगा, कीटोन, मतलब यहां पे बन गया आपका एसीटोन। और ऑलवेज वन कार्बन वाले ग्रुप का क्या फॉर्मेशन होता है, फॉर्मिक एसिड, क्या होता है आपका फॉर्मिक एसिड। तो इस तरीके से आपका यहां पर 3 डिग्री एल्कोहल का रेयर कंडीशन में क्या पॉसिबल है, ऑक्सीडेशन पॉसिबल, क्लियर। एक और केस लेते हैं यहां पर अपन, CH3 CH2, सेम केस है अपने पास में, CH3 CH3 OH, वही 3 डिग्री एल्कोहल है बट कंपाउंड मैंने चेंज कर दिया है। अब देखो यहां पर, ये देखिए, क्लियर हो रहा है आपका। अब वही इस वाले पोर्शन का क्या बनेगा, आप देखो, अब समझ गए होंगे आप, इस वाले पोर्शन का बाय ऑक्सीडेशन क्या होगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन। और अपने पास अब रिमेनिंग पार्ट में कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर एसिड का फॉर्मेशन होगा, क्या फॉर्मेशन होगा, एसिड का फॉर्मेशन होगा, वो एसिड क्या बन जाएगा आपका CH3 CWH, उसको बोलते हो आप एसिटिक एसिड, क्या बोलते हो बेटा, एसिटिक एसिड, क्लियर। तो इस टाइप से आपके पास में जो गिवन कंडीशन होगी उसी अकॉर्डिंग अपने पास में क्या होंगे, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन होंगे। इस वाले में 1 कार्बन रिमेनिंग था, उसका बना आपका फॉर्मिक एसिड, यहाँ 2 कार्बन रिमेनिंग है, उसका बन गया आपका, 2 कार्बन का एसिड कौन सा होता है, एसिटिक एसिड। और इस वाली कंडीशन में क्या बनेगा, एसीटोन, दोनों केस में क्या बना आपका, एसीटोन। इस तरह से कोई भी 3 डिग्री एल्कोहल का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। देन वी डिस्कस अबाउट द 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन अपन ने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको ये पूरी रिएक्शन समझ में आई होगी, मैंने आपको कहीं कोई चीज रिमेनिंग नहीं की है, सारे एग्जाम्पल आपको क्लियर है। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स।